2014 के चुनावों का एक बड़ा मुद्दा था कालाधन भारत वापस लाना। अभी तक कितना कालाधन आया है भारत, इस पर अब सरकार ने जवाब देना ही बंद कर दिया है। विदेशों से तो कालाधन क्या वापस आना था, जो हमारे पास धन था भी उसमें से भी कुछ लोग चुरा कर देश छोड़कर भाग गए। कालाधन को लेकर मोदी जी ने एक बयान अपनी रैली में दिया था, जिसमें वे हर एक के खाते में पैसे देने की बात कर रहे थे। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये कालाधन को लेकर एक बयान बाबा रामदेव ने भी दिया था अपने एक भाषण में। इलीगल गोल्ड में, इलीगल लैंड, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इलीगल माइनिंग में, वो पॉलिटिक्स में, वो ड्रग्स में, वो हेल्थ में, एजुकेशन में, काला बाजारी में, काला धन, 900 लाख करोड़ का लगा हुआ है। कितना? 900 लाख करोड़ देश के अंदर और 16 करोड़ देश के बाहर। 1000 लाख करोड़, ये 1000 लाख करोड़ जिस दिन आएगा उस दिन हिंदुस्तान का कोई भी दलित गरीब नहीं रह जाएगा, सब अमीर बने। कोई भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, वनवासी, आदिवासी, गरीब नहीं रह जाएगा। हम इस अमीर देश के गरीब नागरिक बन करके रह गए। 1000 लाख करोड़, ये इतना पैसा है एक गांव को मिलेगा तो कम से कम 200 करोड़ रुपए। कितना? अरे जोर से तो बोलो, 200 करोड़ एक गांव को और एक जिले को मिलेगा तो करीब 50,000 से 1 लाख करोड़। कितना? 50,000 से। अब ये ताज़ा खबर देखिए, स्विस बैंकों में भारतीयों का व्यक्तिगत और कंपनियों का पैसा 2020 में बढ़कर 2.55 अरब स्विस फ्रैंक यानी कि 20,700 करोड़ रुपए से अधिक पर पहुंच गया है। ताज़ा आंकड़े 13 साल का सर्वाधिक हैं। ये बढ़ोतरी नकद जमा के तौर पर नहीं बल्कि प्रतिभूतियों, बॉन्ड समेत अन्य वित्तीय उत्पादों के जरिए रखी गई होल्डिंग से हुई है। गौरतलब है कि 2014 में सरकार बनने से पहले एनडीए के नेता लगातार विदेश में रखे गए धन को काला बताते हुए वापस लाने का आश्वासन दे रहे थे। आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट करके हमें बता सकते हैं। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।